गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने फ्रिक्शन स्टार्ट कर लिया था, फ्रिक्शन फोर्स, और दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स की बात करी थी हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और उसके बाद में हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी डिस्कस कर लिया था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा से जिसको डिनोट किया था, फॉर्मूला था टेन इनवर्स म्यू एस। म्यू एस इज द कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यूएस इज द कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ करता था। उसके टेन इनवर्स जो एंगल था वो टेन इनवर्स म्यूएस लिखते थे अपन। और उसको हमने किस तरह से डिफाइन किया था, एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड रिजल्टिंग ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसके बीच जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो नया टॉपिक अपना एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। इसमें भी अपन थोड़ी सी फ्रिक्शन की बात करेंगे। आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कंडीशन यह है कि उस पर कितना वो फोर्स लगे, स्टैटिक फोर्स, कि वो वहां पे स्टैटिक रहे, नीचे की तरफ मूव नहीं करे, ठीक है ना। कितने एंगल पे हम उसको रखें या एंगल ऑफ इंक्लाइन कितना हो कि वो जो ब्लॉक है उसमें स्टैटिक रुका रहे। देखो जैसे मान लो ये आपका प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर मैं इस प्लेन को ऐसे उठा दूं थीटा एंगल से या थीटा नॉट एंगल से, एंगल ऑफ इंक्लेनेशन थीटा नॉट, इसको अपन इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। ये थीटा नॉट से उठा हुआ जो प्लेन है इसको अपन बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। कितने एंगल से उठाया हुआ है, थीटा नॉट से। इसकी सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, इसकी सरफेस पे ब्लॉक जिसका मास m है। मैं आपसे दो तीन चीजें पूछूंगा कि अगर मैं इसके mg की बात करूं तो क्या इधर लगना चाहिए या सीधा नीचे की तरफ लगना चाहिए। बिल्कुल सीधा, mg जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो चाहे टेढ़ा पड़ा हो, एयर में कैसे भी हो, किसी सरफेस में, उसमें एमजी हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। तो एमजी जो इस पे लगेगा वो जस्ट इस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। अगर इसके नॉर्मल फोर्स की बात करी जाए तो इसकी सरफेस और ब्लॉक की सरफेस के बीच जो नॉर्मल फोर्स है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सरफेस से इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगेंगे नॉर्मल फोर्स एन। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये ब्लॉक नीचे की तरफ कब आएगा, जब नीचे की तरफ कोई फोर्स लगेगा, तो हम इस mg के कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। mg के कंपोनेंट देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एंगल थीटा नॉट है, ये एंगल थीटा नॉट है, तो ये वाला एंगल भी थीटा नॉट होगा। कैसे हुआ ये एंगल थीटा नॉट, चेक करो ये एंगल थीटा नॉट कैसे हुआ। देखो ध्यान से, इस mg के दो कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में होना चाहिए और दूसरा जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ब्लॉक नीचे आ सकता है। ध्यान से देखो, ये थीटा नॉट, तो ये थीटा नॉट कैसे हुआ, चेक करो इसको। ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा नॉट होगा। आप इसको नीचे ले आओ, ये 90, ये थीटा नॉट, तो ये वाला एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा नॉट, तो ये ऑटोमेटिक थीटा नॉट हो गया। क्लियर हो गया। अब मैं एमजी के दो कंपोनेंट की बात करूं तो थीटा नॉट के साथ, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, ये लिखा जाएगा बेटा एमजी कॉस थीटा नॉट, जो किसको बैलेंस करेगा नॉर्मल फोर्स को। ये वाला जो mg का कंपोनेंट है mg cos थीटा नॉट, वो किसको बैलेंस करेगा, n को, नॉर्मल फोर्स को। इसका दूसरा कंपोनेंट ये वाला होगा परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू होगी mg sin थीटा नॉट, mg sin थीटा नॉट नीचे की तरफ, ब्लॉक आपका नीचे की तरफ आएगा इस फोर्स की वजह से। अगर मैं थीटा नॉट, देखो m मास ब्लॉक का कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो mg कांस्टेंट होगा। साइन थीटा नॉट, जैसे जैसे थीटा नॉट को इंक्रीज करूंगा ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, ब्लॉक नीचे आना चाहिए, नीचे की तरफ फोर्स इंक्रीज करेगा, बट नहीं आ रहा अभी भी। इसका मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन fs। अगर ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है ब्लॉक पे, mg sin थीटा नॉट आगे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से ये आगे आना चाहिए, ठीक है। अब हम वो बात करें एंगल ऑफ रिपोज, जिस एंगल पे ब्लॉक स्टैटिक है, मतलब वो मैक्सिमम एंगल इंक्लाइन प्लेन का, वो मैक्सिमम एंगल थीटा नॉट जिस पे आपका ब्लॉक स्टैटिक है, अगर उस एंगल ऑफ रिपोज के जस्ट बाद थीटा नॉट, मान लो जैसे 15 डिग्री पे ये स्टैटिक है, मैं 15.1 करते ब्लॉक नीचे आता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, ब्लॉक नीचे आएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज समझ के, थीटा नॉट इंक्लाइन प्लेन का मैक्सिमम एंगल जिस पे आपका ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, द एंगल ऑफ या मैक्सिमम एंगल ऑफ, द मैक्सिमम एंगल ऑफ, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन द
द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन वेयर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट या इज एट स्टैटिक कंडीशन, एक ही बात है। द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन वेयर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, जिसको थीटा नॉट से डिनोट किया है। बुक में ये टॉपिक एंगल ऑफ ये इंक्लाइन प्लेन के नाम से होगा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है कि ये वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान से देखो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स चेक करो। आपका जो नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट mg cos θ0, तो उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम से हम इसके नेट फोर्स चेक कर लेते हैं कि ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ mg cos θ0, तो mg की वैल्यू किसके इक्वल हुई बेटा, mg cos θ0, mg cos θ0 equals to n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखो, ये अगर स्टैटिक है रुका हुआ है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की तरफ जितना लग रहा है उतना ही mg sin θ0 होगा, तो mg sin θ0 की जो वैल्यू है mg sin θ0 जो है वो किसके इक्वल होगा, fs के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। और fs का फार्मूला तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, μs into n, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड, राइट हैंड साइड में mg sin θ0 upon mg cos θ0, mg sin θ0 upon mg cos θ0 equals to fs upon n, fs upon n, mg से mg कैंसिल हो गया, sin θ upon cos θ0 tan θ0 हो गया, equals to fs की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं us into n upon n, n से n कैंसिल, tan θ0 equals to μs, then θ0 की वैल्यू कितनी आएगी, tan inverse μs। ये वैल्यू भी जो है ना वो डिपेंड करेगी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, स्मूथ सरफेस है तो ये वैल्यू कम होगी, रफ सरफेस है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, रफ सरफेस तो जल्दी से नहीं फिसलेगा ये ब्लॉक, ये वैल्यू। एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी तो यही था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी तो यही था, अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस, सेम ही होता है, मींस एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें भी अपन ने फ्रिक्शन फोर्स नाम में लिया है। अब अपन बात करते हैं टेंशन फोर्स की जनरल, अगला टॉपिक आपका होगा टेंशन फोर्स, और फिर से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे पोली ब्लॉक, पोली ब्लॉक सिस्टम के दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन पूछ लेता है एकदम। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है ना, हमने देखो नॉर्मल फोर्स डिस्कस कर लिया, फ्रिक्शन फोर्स डिस्कस कर लिया, बात करते हैं टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स इसको कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं, टेंशन फोर्स स्प्रिंग में लगता है, ठीक है ना, स्प्रिंग या रॉक की बात करें तो टेंशन फोर्स जो है ना वो स्प्रिंग में लगता है। जब आप एक स्ट्रिंग से कोई मास अटैच करके उसको ऐसे सस्पेंड करोगे तो उस पर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। मान लो एक वॉल है, उससे हमने एक स्ट्रिंग का एक एंड कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे एंड से हमने एक ब्लॉक जिसका मास m है, इसका मास कितना है m, इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है और ये स्ट्रिंग है आपकी, तो आपको पता है कि जैसे मैं वॉल से एक स्ट्रिंग के थ्रू ब्लॉक को अटैच करके और ऐसे सस्पेंड करूंगा तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है इसका वेट होता है नीचे की तरफ, तो इसमें क्या है टेंशन, तनाव किस डायरेक्शन में, mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में t, इस पे mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा रॉक में या आपकी जो स्ट्रिंग है ऊपर की तरफ t, इसको बोला जाता है टेंशन फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, t equals to mg, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होना चाहिए बेटा, t equals to mg, ठीक है। इससे रिलेटेड बस आपको इसमें इतना ही पता होगा कि टेंशन फोर्स जो है वो स्ट्रिंग में लगता है, टेंशन फोर्स जो है वो किस में लगता है, स्ट्रिंग के अंदर, और उसको हम ऐसे देखते हैं कि जिधर हम इसको खींचते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में,
स्ट्रिंग को हमने लेके एक हाथ इधर से पकड़ लिया, दूसरा इधर से पकड़ लिया और पकड़ के हमने उसको ऐसे खींचा, इसकी वजह से टेंशन फोर्स इधर, इसकी वजह से टेंशन फोर्स इधर, और उसमें क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी, वो आपकी टाइट हो जाती है स्ट्रिंग। ऐसा ही होता है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करते हैं आज, ठीक है ना। दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, दो एग्जांपल अपन देखते हैं स्ट्रिंग के या टेंशन फोर्स से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं लिखता हूं बोर्ड पे। टू मासेज 8 केजी एंड 12 केजी आर पुली ब्लॉक, सवाल बोलते हैं इनको अपन। टू मासेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना इनको, बुक से ही लिया है मैंने। टू मासेज 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम, एक का मास 8 केजी है, दूसरे ब्लॉक का मास 12 केजी, आर कनेक्टेड ए टू एंड्स ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, आर कनेक्टेड ए टू एंड्स ऑफ लाइट, मतलब जो स्ट्रिंग है उसका मास नेग्लिजिबल लिया, इन एक्सटेंसिबल लाइट, इन एक्सटेंसिबल मतलब उसकी लेंथ भी इंक्रीज नहीं होगी, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है ना। दोनों मासेज को, दोनों ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से अपन ने कनेक्ट करके एक फ्रिक्शनलेस पुली पे अपने उसको रिलीज कर दिया, ठीक है ना। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मासेज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेज आर रिलीज, फाइंड द एक्सीलरेशन एंड find the acceleration of masses and tension in the string when the masses are released। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है when the masses are released, पुली ब्लॉक सवाल बोलते हैं इनको। मासेज को अगर अपन रिलीज कर देते हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन निकालना मासेज का और टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पहले समझते हैं फिर अपन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है, पुली आपने सुना होगा, ठीक है ना। जैसे पुराने टाइम कुएं से पानी निकालते थे तो पुली से अपन रस्सी ऊपर लटका के और खींचते थे, वही बन सकता है। एक पुली है, फ्रिक्शनलेस है, और आपके पास दो बॉडीज है, एक का मास 8 केजी है, दूसरे का मास 12 केजी है, और दोनों को एक फ्रिक्शन, दोनों को एक, दोनों मासेज को टू एंड से लाइट एक्सटेंसिबल, एक बिल्कुल जिसका मास नेग्लिजिबल होगा, इन एक्सटेंसिबल एक स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट किया हुआ है, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उन मासेज को इस पुली के ऊपर रिलीज कर देते हैं, और पुली के ऊपर रिलीज करते ही हमें पता चलता है कि जो 8 केजी वाला ब्लॉक था, सपोज एक ब्लॉक 8 केजी का था आपका, और दूसरा ब्लॉक जो था ना वो 12 केजी का था, दूसरा ब्लॉक कितने का है, 12 केजी। अब जगह सोचो, जैसे रिलीज करेंगे तो स्ट्रिंग पे टेंशन होगा, इसकी वजह से ऊपर की तरफ टी, और इसकी वजह से भी टी ऊपर की तरफ, और एक कंडीशन होगी ये जो 8 केजी वाला ऊपर जाएगा, 12 केजी वाला नीचे जाएगा, जनरल कॉन्सेप्ट है, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, जितने एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर जाएगा उतने एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक नीचे आएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो स्ट्रिंग जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे भी आएगी, तो जितने एक्सीलरेशन से ब्लॉक ऊपर गया उतने एक्सीलरेशन से ब्लॉक नीचे भी आ रहा है। एक चीज ये मुझे कैलकुलेट करना है और टी मुझे कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं, ये जो 8 केजी का ब्लॉक है उसको धरती माता नीचे कितने ब्लॉक कितने फोर्स से खींच रही है, 80 न्यूटन से, पता है मास 8 केजी, जी की वैल्यू पहले लेते हैं तो 80 न्यूटन नीचे की तरफ, इस 12 केजी वाले को धरती माता कितने से खींच रही है भैया, 120 न्यूटन से, 12 × 10, और अब एफबीटी लगा लो और सिंपल कांसेप्ट लगा लो,
8 केजी वाले ब्लॉक के लिए, फॉर 8 केजी ब्लॉक, ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। मास कितना है? 8 केजी। एक्सीलरेशन ए, फोर्स कितना होना चाहिए? F equals to ma। वो कितना है? T। इसका मतलब T बड़ा है 80 न्यूटन से, तो रिजल्टिंग फोर्स ऊपर की तरफ कितना हुआ बेटा? T माइनस 80। रिजल्टिंग फोर्स ऊपर की तरफ कितना हुआ? T माइनस 80, क्योंकि T ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो T ऊपर की तरफ 80 न्यूटन, नीचे की तरफ ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो रिजल्टिंग फोर्स T माइनस 80, जो किसके इक्वल होना चाहिए? ma। क्या लिखोगे इक्वेशन? T माइनस 80 इक्वल्स टू मास r एक्सीलरेशन a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर 12 केजी ब्लॉक। देखो इक्वेशन, 12 केजी ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब 120 न्यूटन T से बड़ा है, 120 न्यूटन जो है वो T से बड़ा है, तभी तो ब्लॉक नीचे जा रहा है। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब रिजल्टिंग फोर्स नीचे की तरफ 120 माइनस T, जो किसके इक्वल होना चाहिए? ma, 12 इंटू a के। 120 माइनस T इक्वल्स टू 12 a, इक्वेशन नंबर 2। 120 माइनस T इक्वल्स टू 12 a, इक्वेशन नंबर 2। और मेरे पास दो अननोन वैल्यू, दो इक्वेशन T और a की वैल्यू सॉल्व करनी है। पहले क्या करूं? फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन ऐड करूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। देखो T माइनस 80, 120 माइनस T, प्लस का T माइनस का T कटा, 120 माइनस 80, इधर बचा 40। इधर देखो 8a प्लस 12a 20a, ऐड कर लिया तो माइनस टी प्लस टी कट गया, माइनस 80 प्लस 120 40 बचा, और 8a प्लस 12a 20a हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 40 अपॉन 20, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे यहां पुट कर ली a की वैल्यू 2, तो t माइनस 80, T माइनस 80 इक्वल्स टू 8a, a की वैल्यू 2। देखो तो T इक्वल्स टू 80 उधर चला गया, तो 80 प्लस 16 96 न्यूटन, टेंशन फोर्स की वैल्यू आई 96 न्यूटन। अब देखो ये वैल्यू आई 90, T की वैल्यू आई 96, 80 से बड़ा तभी ब्लॉक ऊपर गया, सही। 96 जो है 120 से छोटा था, ब्लॉक नीचे आया। पूरी ब्लॉक सवाल समझ में आ गया, बहुत इजी था, कॉन्सेप्चुअल था, दिमाग लगाना था, आंसर आ गया, बेसिक था। एक और सवाल कर लेते हैं अपन डिस्कस आज, ठीक है? पॉली ब्लॉक सवाल हो रहा है मेरे पास, ये सिंपल। एक पहले डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद में क्या पूछ रहा हूं लिखते हैं। सरफेस है ये, उसके साथ यहां पे एक पुली कनेक्ट है, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस पुली है, और यहां पे आपके पास एक गाड़ी है, कार, जिसका मास 20 केजी, इसका मास कितना है? 20 केजी। इसके दो टायर लगे हुए हैं यहां पे, और ये गाड़ी जो है वो स्प्रिंग से कनेक्ट है, और नीचे की तरफ एक 3 केजी का ब्लॉक, कितना ब्लॉक है ये, मास कितना है इसका? 3 केजी, ये कनेक्ट है, इसका मास, ब्लॉक का मास 3 केजी, ये पुली, ये ब्लॉक, ठीक है ना, और ये गाड़ी आपकी 20 केजी, और इस पे जो टेंशन फोर्स है ये आगे की तरफ जा रही है, जैसे 3 केजी अटैच किया T ऊपर की तरफ, इस ब्लॉक पे 3 केजी, नीचे की तरफ 30 न्यूटन, नीचे की तरफ, तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, यहां पे T ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ब्लॉक आगे, ये गार्ड आगे की तरफ जा रहा है, तो इससे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, Fk, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन में क्या गिवन है वो सुन लो, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड सरफेस इज 0.04। एक्चुअल में ट्रॉली और इसकी सरफेस के बीच जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μk, उसकी वैल्यू गिवन है 0.04, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। व्हाट इज द टेंशन इन दिस स्प्रिंग, दो चीजें पूछी है कि जो ब्लॉक, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो कितने एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, वो एक्सीलरेशन सॉल्व करना है, ट्रॉली भी आगे जाएगी उतने ही एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जाएगी, ये ट्रॉली भी आगे की तरफ जाएगी एक्सीलरेशन a से, यहां दिखा देते हैं आपको,
ठीक है, और जितने एक्सेलरेशन से ट्रॉली आगे जाएगी उतने से ब्लॉक नीचे जाएगा, सिंपल है, पुली के ऊपर है, ठीक है। तो हमसे दो क्वेश्चन पूछा है इसने, वही ए और बी की वैल्यू, सिंपल देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन यहां सोचे, आगे की तरफ टेंशन फोर्स, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स आगे की तरफ क्योंकि ट्रॉली आगे जा रही है वो कितना होगा, टी माइनस एफ के। पर पहले हम ट्रॉली के लिए सोचे, फर्स्ट हम ट्रॉली के लिए कैलकुलेट करें, फॉर ट्रॉली नेट फोर्स आगे की तरफ टी माइनस एफ के, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होगा पीछे की तरफ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो टी माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन बी ए। देखो एफ के की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं अलग से, एफ के का फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू एन, एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इनटू एन, सिंस एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू एन, म्यू के की वैल्यू ये 0.04 और एन क्या होगा बेटा इसका नॉर्मल फोर्स एम जी के इक्वल, इसलिए एम जी नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, इसका mg कितना होगा सोच के देखो, mg की वैल्यू 220 × 10 200 न्यूटन। तो आपका mg जो है वो n हो गया और n की वैल्यू आपके पास आ गई 200 न्यूटन। देन fk कितना हो गया बेटा, μk की वैल्यू 0.04 × 200, पॉइंट हट जाएगा, दो जीरो हट जाएंगे, 8 न्यूटन। fk की वैल्यू कितनी आई, 8 न्यूटन। अब वो Fk के 8 न्यूटन यहां पुट कर सकते हैं, तो अपने पास इक्वेशन आ गई टी माइनस ए इक्वल्स टू बी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हम बात करें ब्लॉक की, ब्लॉक नीचे जा रहा है 30 न्यूटन नीचे की तरफ, टी ऊपर की तरफ, रिजल्टिंग फोर्स पर 30 माइनस टी नीचे की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो 30 माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, 3 इनटू ए, इक्वेशन नंबर टू। वही दो अननोन वैल्यू और दो मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन, मुझे टी और ए फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना होगा ताकि प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, टी माइनस 8 30 माइनस टी, प्लस टी माइनस टी कटा, 30 माइनस 8 22, 20 ए प्लस 3 ए 23a, a की वैल्यू आ गई 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो इतना आया, ऑलमोस्ट 1 ही आ गया, 0.9 समथिंग आएगा। अब ये a की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर लो, यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो, 30 और हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, 30 - t इक्वल्स टू 3 इनटू ए की वैल्यू 22/23। मुझे टी चाहिए तो टी को उधर ले जाऊंगा, इस क्वांटिटी को इधर ले आऊंगा, तो टी इक्वल्स टू 30 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66/23, इसका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट 27.1 न्यूटन आता है, ठीक है ना। ये सॉल्व कर लेना आप, आंसर आएगा 27.1 न्यूटन, 30 माइनस 66/23, इसमें डिवाइड करके माइनस करना, ऑलमोस्ट ये 2.9 समथिंग आएगा, 27.1 न्यूटन। इस तरह से हमने टेंशन फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया स्क्रीन में, और ध्यान से देखो ये आई वैल्यू 27.1, ये 30 ब्लॉक नीचे आएगा पक्का। Fk की वैल्यू कितनी थी, 8 न्यूटन पीछे, T की वैल्यू कितनी है 27.1, तभी तो ट्रॉली आगे आ रही है, इसका मतलब ये भी कांसेप्ट क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया टेंशन फोर्स भी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।